हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं एजाज साकिब और ये सभी चीज़ें देखने की आदत डाल लीजिएगा क्योंकि नेक्स्ट बहुत सारी वीडियोस में आपको यही सब देखने को मिल सकता है। सो गाइस, मैं हूं इस समय अपनी वर्क स्पेस पे और ये कोई भी प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं है, रजिस्टर्ड स्टूडियो नहीं है। ये एक हमने अपने घर पर एक वर्क स्पेस बनाई है जहाँ पर हम बैठ के अपनी वीडियोज एडिट करते हैं और जो भी हमारा प्रोफेशनल वर्क है वो यहाँ पर हम पूरा करते हैं। और यहाँ पे कौन कौन से लैपटॉप हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए, और कौन कौन से कैमराज और लाइट स्टैंड ट्राइपॉड, वो सभी हम आहिस्ता आहिस्ता करके स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आज का जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें सिर्फ और सिर्फ हम अपने कैमरे के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा कैनन 80D और काफ़ी कमाल का कैमरा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सिर्फ हमारे इंडिया की बात नहीं है, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये कैमरा बहुत फेमस रहा है 2018 में। देखिए, सिर्फ यूट्यूब की बात कर लो तो जितने भी हमारे बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जैसे टेक्निकल गुरु जी, मुंबईकर निखिल, तो उनके सक्सेस के पीछे यही कैमरा है। जी हाँ गाइज, ये कोई लगभग आपको पूरा कंप्लीट पड़ जाएगा 1 लाख के रेंज में, और 1 लाख के रेंज में इससे अच्छा और कोई कैमरा हो भी नहीं सकता। देखिए, मैंने ये कोई 1 साल पहले बाय किया था, 2018 की बात है, और इसके साथ 18-135mm का ये लेंस साथ में लिया था मैंने, और एक्स्ट्रा इसके साथ मैंने ये लेंस लिया था 50mm लेंस। और ये कहाँ पे किस तरह यूज़ करते हैं वो नेक्स्ट कभी डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एक ND फिल्टर अलग से लिया था मैंने, और साथ में एक ये फ्लैश लाइट, ये भी मैंने अलग से यूज़ लिया था बट इतना यूज़ नहीं किया इन चीज़ों को मैंने। उसके बाद एक ये बैटरी ली थी मैंने अलग से इसके लिए, और एक इसके बीच में होती है ऑलरेडी, ये होगी 2 बैटरीज। आप अपना काम ज़्यादा बेटर कर सकते हो 2 बैटरी के साथ। और उसके साथ देखिए आप, एक मैंने बोया का माइक लिया था, ये तो अब 2-3 हो गए मेरे पास। ये सारा सेटअप मैंने लिया था 2018 में अपने वर्क के लिए, सिर्फ यूट्यूब के लिए नहीं, और भी बहुत सारे वर्क हैं उनके लिए। तो गाइस, इसका पूरा रिव्यू तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है, बट इतना मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1 साल से मैं इसको यूज़ कर रहा हूं, कैनन 80D को। इसके साथ मुझे कोई भी प्रॉब्लम कभी भी फेस नहीं करनी पड़ी, और जब जहाँ जैसा चाहा इसने वैसा रिजल्ट मुझे दिया है, काफ़ी कमाल की चीज़ है। हाँ, इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे कैमरे हैं। अभी जिस कैमरे में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये हमारा 3300 है नाइकन का, और जिसमें मैं व्लॉग करता हूँ मैक्सिमम जो कैमरा मैं कैरी करता हूँ अपने बैग में, तो वो ये है नाइकन का। काफ़ी कमाल की चीज़ है, ये भी छोटा सा है, लाइट वेट, और 4K रिकॉर्डिंग करता है ये। उसके बाद इसमें कोई आपको लेंस वेंस का झंझट नहीं है, और 20-30 हज़ार की रेंज में आपको ईजिली अवेलेबल है ये मार्केट में, और आप अपने व्लॉग कर सकते हो आराम से। तो गाइज़, अगर हम बात कर लें YouTube की, तो सच मानिए मैंने कभी YouTube को इतना सीरियसली लिया नहीं, और ना ही मैंने कभी रेगुलर इस पर वर्क किया है। देखिए, करीब 2 साल हो गए मुझे YouTube चैनल को चलाते हुए, और जहाँ भी जाता हूँ वहाँ की वीडियो लेता हूँ, उसको एडिट करता हूँ और अपलोड कर देता हूँ, बस इतना अपना शौक रहा है आज तक। और अब जबकि 10K सब्सक्राइबर कम्प्लीट होने वाले हैं, तो मुझे लग रहा है कि मुझे YouTube को सीरियसली लेना चाहिए। और देखिए, आप सबकी सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सो प्लीज़ भाई की सपोर्ट करो यार, ये 10K हमने बहुत जल्द 100K में बदलना है। सो इसके लिए मैं सभी डिस्कस करूँगा जो जो मैं यूज़ करता हूँ अपने सॉफ्टवेयर, अपने लैपटॉप, अपने कैमरे और स्टैंड ट्राइपॉड, ड्रोन कौन सा यूज़ करता हूँ मैं, वायरलेस माइक्रोफोन कौन सा यूज़ करता हूँ, ये सभी डिस्कस करते रहेंगे हम नेक्स्ट हर एक वीडियो में। और बस इतना आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई की सपोर्ट करो, 10K सब्सक्राइबर होने वाले हैं बहुत जल्द, इसे 100K में बदल दो। और मिलेंगे नेक्स्ट एक और इससे भी बढ़िया वीडियो के साथ। और नेक्स्ट जो मेरे व्लॉग रहने वाले हैं उसमें मैं कोशिश करूंगा कि हर एक व्लॉग में मैं छोटा सा पार्ट ड्रोन शॉट का डालूँ और सिनेमैटिक लुक दूँ थोड़ी सी, और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के बारे में आपको बता पाऊँ, आपसे एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कहाँ है कैसे है। सो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।